नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशन दरम्यान पत्रकार गॅलरीत आवाज उठवणारे वरिष्ठ पत्रकार व देशोन्नतीचे संपादक प्रकाश पोवरे हे आता आर पारच्या भूमिकेत दिसत आहे सोमवारी प्रेस त्यांनी पत्रकार वार्ता घेत नागपूर करारा ज्यामुळे झाला त्याचे उल्लंघन करण्यात येण्याचा आरोप विधिमंडळ कामकाजावर लावला असून विदर्भात अधिवेशन घेता तर विदर्भाच प्रश्न घ्या असा आवाज बुलंद केला आहे मी जे केले त्यासाठी कुठल्याही कारवाईला सामोरे जायला तयार आहे असे प्रकाश पोहरे बोलले या विषयावर त्यांच्याशी खास बातचीत कल्ली आहा व्हीकेबी न्यूजचे संपादक मुकेश हि यांनी नागपुर में शीत सत्र शुरू है और शीत सत्र का आज आठवां दिन है लेकिन इस शीत सत्र के दौरान एक पत्रकार जो कि संपादक है देशोन्नति दैनिक देशोन्नति के राष्ट्र प्रकाश के उन्होंने कहीं न कहीं पत्रकार गैलरी में आवाज़ उठाई उसके बाद से कहीं न कहीं बवाल हो गया उन पर कार्रवाई भी की गई उसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है प्रकाश पोरे जी जो इस वक्त हमारे साथ प्रेस क्लब में मौजूद है और आज उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया है जो कार्रवाई हुई है जिस तरह से इस शीत सत्र के दौरान सवाल उठाए जा रहे हैं विदर्भ के सवाल नहीं ले जाए उस पर कहीं इनके प्रकाश डाला है प्रकाश जी आज आपने प्रकाश डाला है क्या क्या कहना चाहिए क्या होना चाहिए शीत सत्र में और क्या कर रही है सरकार देखिए ऐसा है विदर्भ का जो शीत सत्र है ये कोई सरकार उपकार नहीं कर रही है हमारे पे ये तो बाकायदा नागपुर करार वगैरह जो हुआ था मैंडेटरी है इनके ऊपर कि कम से कम छः हफ्ते या जैसा कि विनोद बाबू ने बोला कि वन थर्ड काल जिना, जितना तुम्हारा सत्र चले उधर तो उसके वन थर्ड तुमको यहाँ समझ देना चाहिए तो ये मैंडेटरी है और उसके बाद में अगर ये उसको जो मैंडेटरी चीज़ होने के बाद भी उसको दुर्लक्ष कर रही है वो हिसाब से अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो नेचुरली ये और पिछले ये अभी ये साल का विषय नहीं है ये पिछले दस पंद्रह बीस साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से छः हफ्ते का जो अधिवेशन था वो मुश्किल से दो तीन हफ्ते का लाएंगे अभी तो इस बार देखिए उन्होंने बोलने के लिए आ, क्या बोलते उसको दो हफ्ते का बता रहे है चौदह दिन का लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इन्होंने ये खिलवाड़ किया है सात और आठ तारीख को ये ऐसा इसी तरीके से समय पास किया फिर शनिवार यानी देखो चार तो शनिवार रह गए यानी चौदह दिन में चार तो ये निकल गए पहले दो दो ही निकल गए जिसमें कोई मतलब नहीं था बच्चे आठ दिन आठ दिन में से चार दिन अभी तक के इन्होंने इसके अंदर गमा दिए ये अपने आरक्षण के ऊपर और अभी कल आज कल और परसों आप आज ही देख लीजिए कि आज हाउस में क्या हुआ तो ये अगर इस तरीके से चल रहा है और हम लोग पत्रकार तो अगर ये चलने देंगे इनका इनको आखिरी मुझे बताइए इनको जो ये कहने का मतलब यानी जाला जिसको बोलते ना कि भाई इनको ये जवाब ये आखिरी इनको तो करना पड़ेगा ना ये जवाब दे आखिरी किसको रहेंगे वहाँ तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं मैं तो हम वी आर दी फोर्थ पिलर ये डेमोक्रेसी के अगर हम इनको जवाब ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उस दिन आप सदन के अंदर बैठे हुए थे। ऐसा क्या हुआ मन में ऐसा क्या चल रहा था बवाल की अचानक संताप आया और आपने बवाल हाँ आपने सही अच्छा सवाल पूछा देखिए ऐसा है कि जब ये सारा चल रहा था और चौदह तारीख थी उस दिन की यानी सात दिन ऑलरेडी हो चुके थे और सात आठ दिन और उसके बाद में जब तीन दिन से मैं लगातार जा रहा था और वो देख रहा था कि आज भी क्या हुआ तो नहीं बोले आरक्षण आज क्या हुआ आरक्षण आज क्या हुआ आरक्षण फिर जब चौदह तारीख को मैं वहाँ गया गुरुवार को और सात बजे मैं जब हाउस में बैठा और आधा पौन घंटा देख रहा था तो वो सब देखा कि एक ही एक विषय पे एक ही विषय के ऊपर वो सब चल रहा है और हाउस में नीचे देखता हूँ तो छः सात आठ आमदार बैठे हैं नीचे और तो ये किसके लिए हो रहा है कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक ही देखा है कि ये सारा का सारा कोई उनके ये जो बोलेंगे तो जानबूझ के सब बोल रहे काय के लिए कि उसकी क्लिपिंग लेने की अपने मतदार संघ में चलाने की कि देखो देखो मैं मराठा आरक्षण पे बोला बोला मेरा भी मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में और ये करने के लिए कहने का मतलब सिर्फ राजकीय पॉलिटिक्स करने के लिए और इनकैच करने के लिए उन्होंने वो सारी नोटिंग की ये बोलो या ये चल रहा था उनका सारा प्रयास तो ये देखने के बाद में उसके बाद में जो बाकी के भी जो आमदारे वो बोल रहे थे हमको बोलना है हमको बोलना है तो अध्यक्ष ने पूरी लिस्ट बता दी कौन ती पार्टी को और कितने बोलना है कितने पार्टी है तो मैंने दिखा आरक्षण पे बोलना है तो करीब करीब बयालीस लोगों का दिखा और उसके बाद में अध्यक्ष बोलते तालिका के कि और इसके व्यतिरिक्त अपक्ष आमदार भी है तो पचास साठ लोग बोलना बाकी है अभी हर एक को दस दस मिनट भी लिए तो कितना समय जाएगा तो कहने का मतलब मैंने बोला आज का गुरुवार भी इसमें गया कल है वो भी इसमें जाएगा और उसके बाद में इन्होंने जो सवाल जवाब किए उसके ऊपर फिर सरकार को जवाब देना पड़ता तो कहने का मतलब आने वाले तीन दिन निकल के कहने का मतलब अधिवेशन खत्म अभी ये देखने के बाद में मैं उठा सीधा और मैंने बोला भाई कोई बोल नहीं रहा पूरे विदर्भ में लास्ट ईयर भी कोई बोला नहीं अभी तक भी कोई बोला नहीं इसीलिए मैंने सिंगल लाइन वहाँ बोला बस ऐसे ही चलने दो इसी के या इसके लिए यहाँ आया करो हमारे प्रश्न छोड़ दो विदर्भ के प्रश्न छोड़ दो और बाकी फालतू प्रश्न के ऊपर तुम तुम्हारा अधिवेशन खत्म करो हमारा समय कमाओ पैसा खत्म करो ऐसा बोल के मैं वहाँ से निकल गया नहीं सर इंटेंशन ऐसा है कि ये जो विषय प्रकाश जी ने उठाया ये प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है डेरिंग का काम है उनका और ये विदर्भ के हक में है और ये होना ही था चर्चा में नहीं आता था विदर्भ का मुद्दा जिस ढंग से अधिवेशन चल रहे सालों साल ये विदर्भ का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत हम सी पी एंड से टूट के आ, इस नए स्टेट में आए बाशा और स्टेट में उसमें सीधा सीधा अन्याय वो हम भी वन थर्ड पीरियड वन थर्ड स्ट्रेंथ वन थर्ड एनर्जी वन थर्ड ये प्रॉपर्टी सब हमको आना था वो हमको आया नहीं इस पर चर्चा तो होनी चाहिए और ये अधिवेशन रहता काय के लिए आज तक के उन्नीस से हमने क्या किया उसके एनुअल रिव्यू के लिए ये और रिव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे तो उदरक तो कहीं ना कहीं पर लोगों के भावना का होना चाहिए था चर्चा इस पर होना चाहिए मुद्दे को लेकर क्या कोर्ट जाने की तैयारी रहेगी नहीं जरूर रहेंगी कोई एक्शन लेंगे तो हम ये करेंगे एक्शन लेंगे यानी इनका पास को भी सस्पेंड किया है तो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक के समझे आप पक्का बिल्कुल पूरी तैयारी है विदर्भवादियों की जिस तरह से है जो विदर्भ की बुलंद आवाज और एक तरह के पत्रकार और एक दैनिक दोष देशोन्नति के संपादक है उन्होंने जो किया है वो तो उल्लंघन ही किया है जिस तरह से नियमों को तोड़ते हुए गैलरी में जिस तरह से आवाज उठाना लेकिन अगर विदर्भ के सवालों को अगर विदर्भ में ना उठाया जाए तो वो अधिवेशन किस काम का ऐसा भी उन्होंने सवाल उठा है नागपुर करार की धज्जा उड़ाई जा रही है इसको लेकर अगर कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ी है तो उनकी टीम ये भी कह रही है कि कोर्ट तक भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक भी इसको चुनौती तो कैमरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ मुकेश राव वीके.बी न्यूज नागपुर